बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। यानी एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर आप लोग देख रहे हैं, हमारे साथ एक मॉलिक्यूल हो गया और ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, तो इस मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, यानी वो हाइड्रोजन जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, यानी पॉजिटिव चार्ज हो, आधा पॉजिटिव चार्ज हो जिस पे, तो इस मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इस मॉलिक्यूल के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो एटम जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, हाईली इस मॉलिक्यूल के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इस मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इस मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, तो इस मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इस मॉलिक्यूल के इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अभी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स तीन किस्म के हो सकते हैं। या तो ये ऑक्सीजन हो सकता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या ये फ्लोरीन हो सकता है, और या ये नाइट्रोजन हो सकता है। तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हैं। यानी इस मॉलिक्यूल का क्या, इस मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इस मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, क्या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, ये ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो और इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो और ये ऑक्सीजन इसी मॉलिक्यूल का एटम हो, तो इस मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इस मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। यानी एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यानी इस मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इस मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, और ये नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो और इसके इस मॉलिक्यूल का एटम भी हो, तो इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हैं। इस तरह भी कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हैं। अभी एक एक को डिस्कस करते हैं, ऑक्सीजन के केस को भी डिस्कस करते हैं और नाइट्रोजन के केस को भी डिस्कस करते हैं और क्लोरीन के केस को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन के केस को। तो इससे पहले
हमें ये जानना होगा कि ये H2O किस तरह बना हुआ है, H2O किस तरह बना हुआ है। तो अगर यहाँ पर आप लोग देख लें, H2O में हमारे साथ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दो एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 11। अगर इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो इसमें 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो इसमें सिर्फ एक ही शेल होगा और उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका एटॉमिक नंबर भी अगर 1 है तो इसमें भी सिर्फ एक ही शेल होगा और उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, अभी ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का ये दूसरा शेल ऑक्सीजन का आखिरी शेल है, और ऑक्सीजन चाहता है कि इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आखिरी शेल पूरा करने के लिए। इस तरह हाइड्रोजन के पहले शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये पहला शेल है हाइड्रोजन का आखिरी शेल है, और पहले शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन भी चाहता है कि इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो, जबकि इसके इस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी चाहते हैं कि इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो ताकि स्टेबल हो जाए। तो क्या होगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2, ये 3, 4, ये 5 और ये 6। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये चाहते हैं कि इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये दो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ भी काउंट होंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन भी इस हाइड्रोजन के साथ भी काउंट होंगे, और ये दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ, और ये दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ भी काउंट होंगे। 2, 4, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। अच्छा, तो 8 ऑक्सीजन के भी पूरे, 2 इस हाइड्रोजन के पूरे और 2 इस हाइड्रोजन के पूरे, तो इन लपाओ क्या रहेगा, इन लपाओ H2O रहेगा। अभी अगर यहां पर आप लोग देख लें, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये हाइड्रोजन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इन दो इलेक्ट्रॉन्स को भी ऑक्सीजन अपनी तरफ भी अट्रैक्ट करता है और ये हाइड्रोजन भी इन दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी ऑक्सीजन में इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को भी ऑक्सीजन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इसी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इन दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकता, यानी ये दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ज्यादा टाइम के लिए जो है वो दूर रहेंगे, ऑक्सीजन के साथ रहेंगे, तो इस हाइड्रोजन पर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर किसे कहते हैं, जिस तरह हमने डेफिनेशन में बताया, तो बॉन्ड पेयर ये इन दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स का ये जोड़ा इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, इन दो इलेक्ट्रॉन्स ये जोड़ा है इलेक्ट्रॉन्स का, इन्होंने भी बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये दोनों हमारे साथ बॉन्ड पेयर है, और ये हमारे साथ क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिन्होंने बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया है। तो अगर आप लोग देख ले, ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज भी है, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को तीन तरफ अट्रैक्ट भी करता है, और इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये। तो भी अगर आप लोग यहां पर देखें, यह हमारे साथ हो गया एक ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल हो गया, इस तरह ये हमारे साथ जो है वो दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, इस तरह यहां पर हमारे साथ ये एक तीसरा मॉलिक्यूल हो गया, ये एक तीसरा मॉलिक्यूल। अच्छा, यहां पर अगर अभी आप लोग देख लें, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बार हमने किस चीज को कहा था कि भाई एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है कि नहीं, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इस ऑक्सीजन इन दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट किया है, तो इस पर आधा पॉजिटिव चार्ज आया है। तो एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, यहाँ पर अगर आप लोग देख लें, ऑक्सीजन के साथ इन इलेक्ट्रॉन ने भी बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया है और इन इलेक्ट्रॉन ने भी बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया है, तो इलेक्ट्रॉन का ये जोड़ा और ये जोड़ा, ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन
और दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुए, देखो ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके साथ। तो यहां पर अगर आप इनको तीन डॉट्स से रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्या होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी अगर आप लोग देख ले एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। इस तरह अगर आप लोग देख लें ये एक मॉलिक्यूल है ये पूरा, तो इसका पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इस मॉलिक्यूल का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ये भी हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे साथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा यहां पर अगर आप लोग देख लें ये एक मॉलिक्यूल होगा, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है कि नहीं है, और ये पूरा दूसरा मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इस मॉलिक्यूल के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी इस ऑक्सीजन और इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। जिस तरह की हमने कहा था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, और इस मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, फ्लोरीन का केस लेते हैं अभी यहां पर, तो आप लोग समझ गए यानी हम अभी इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हैं। अच्छा अभी अगर आप लोग देख ले HF को, हाइड्रोजन फ्लोराइड को अगर आप लोग देख ले HF हमारे साथ फ्लोरीन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अगर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो फ्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और आखिरी शेल में, फ्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 7 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इसका एटॉमिक नंबर भी है। इस तरह हाइड्रोजन का अगर 1 एटॉमिक नंबर है तो इसमें सिर्फ 1 शेल होगा और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अभी अगर आप लोग देख ले फ्लोरीन के दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है जबकि, और ये दूसरा शेल फ्लोरीन का आखिरी शेल है, फ्लोरीन चाहते हैं कि इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जबकि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इस फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इस तरह हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसके पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये पहला शेल इसका आखिरी शेल है, तो ये चाहते हैं कि इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जबकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये फ्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, और हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट होंगे और इसके साथ भी काउंट होंगे, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 फ्लोरीन की भी पूरी, फ्लोरीन स्टेबल हो गया और 2 हाइड्रोजन की भी पूरे। अच्छा अभी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोरीन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यानी फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन में इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है, यानी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होते हैं तो फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन से ये 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकता तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ज्यादा टाइम के लिए दूर रहेंगे तो हाइड्रोजन पर यहाँ पर पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। इसको आप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, यानी ये दो इलेक्ट्रॉन इससे दूर रहेंगे, तो इसके साथ इसके साथ इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन भी आप इसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का भूखा है ये। अच्छा, तो अभी अगर आप लोग देख लें, ये फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और इसके साथ लोन पे आप इलेक्ट्रॉन भी है। लोन पे आप इलेक्ट्रॉन कह सकते, देखो ये इन इलेक्ट्रॉन ने बांड बनाया हुआ है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान इन दो इलेक्ट्रॉन की वजह से बांड बना हुआ है, यानी इस तरह बांड बना हुआ है, इस तरह फ्लोरीन इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बांड इनकी इन दो इलेक्ट्रॉन की वजह से बना हुआ है, इनको हम बांड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन, ये इन्होंने बांड परमिशन में हिस्सा नहीं लिया है, तो इनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी ये फ्लोरीन क्या है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और उसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो अगर यहाँ पर आप लोग देख लें, अगर हम इस तरह से कर लें भाई, ये पार्शियल पॉजिटिव किस तरह बना, यहाँ पर मैं आपको जो है वो चलो इस तरह कर लेता हूँ। ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव था और ये क्या था, अच्छा इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी थे, लोन पेयर ऑफ ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन और ये, यानी तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स का वो जोड़ा जिनने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया है। अच्छा एक और मॉलिक्यूल अगर मैं यहाँ पर इस तरह बनाऊं, ये हमारे साथ है HF, एक और मॉलिक्यूल अगर मैं यहाँ पर इस तरह बनाऊं, इसके साथ क्या था, इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी थे और इसके साथ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन का ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा, तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स के वो जोड़े जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया। अभी अगर आप लोग देख ले, हाइड्रोजन बॉन्ड हम किसे कहते हैं, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव, एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बांड कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बांड। यानी एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, यानी एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन्स का भूखा हो, क्योंकि यहां पर क्लोरीन ने इससे दो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। तो एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, तो यहां पर ये क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो इस हाई पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन के दरमियान जो फोर्स अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है इसको अट्रैक्ट करेंगे तो इनके दरमियान जो फोर्स अट्रैक्शन होगी उसी फोर्स अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अच्छा यहां पर अगर आप लोग देख लें, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स अट्रैक्शन होगी उसी फोर्स अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बांड कहते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, तो इस हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन इस फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम के दरमियान जो फोर्स अट्रैक्शन होती है उसी फोर्स अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। इस तरह अगर यहाँ पर देखें, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इस मॉलिक्यूल के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो हाई पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो फोर्स अट्रैक्शन होगी उसी फोर्स अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, उसी फोर्स अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं, कि भाई एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान, अब लोन पेयर वाले एटम के दरमियान जो फोर्स अट्रैक्शन होती है उसी फोर्स अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसमें नाइट्रोजन का केस लेते हैं, ऑक्सीजन का केस भी हो गया, क्लोरीन भी हो गया, एक है हमारे साथ नाइट्रोजन। यहां पर अगर आप लोग देख लें, हमारे साथ है NH3 अमोनिया, इसमें हमारे साथ एक नाइट्रोजन है और दो तीन हाइड्रोजन है। तो यहां पर अगर आप नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 और इसका भी 1। तो यहां पर अगर आप लोग देख लें,
नाइट्रोजन का क्या नाम एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें एक ही शेल है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो इसमें एक शेल और 1, और सेम इसी हाइड्रोजन के लिए भी है। अच्छा, नाइट्रोजन की दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा शेल ही नाइट्रोजन का क्या है आखिरी शेल है, ये दूसरा शेल नाइट्रोजन का आखिरी शेल है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, जो कि नाइट्रोजन चाहता है कि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8। तो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आखिरी शेल पूरा करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आखिरी शेल पूरा करने के लिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आखिरी शेल पूरा करने के लिए, और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आखिरी शेल पूरा करने के लिए। तो क्या होगा, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा। अच्छा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन के साथ अपने 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी। अच्छा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हाइड्रोजन की भी है और इस नाइट्रोजन की भी, ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ भी काउंट होंगे और नाइट्रोजन के साथ भी काउंट होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ भी काउंट होंगे और नाइट्रोजन के साथ भी काउंट होंगे। अच्छा, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 नाइट्रोजन की भी पूरी, 2 इस हाइड्रोजन की पूरी, 2 इस हाइड्रोजन की पूरी, 2 इस हाइड्रोजन की पूरी। अभी अगर आप लोग देख लें, नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी नाइट्रोजन इन दो इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नाइट्रोजन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन इन दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर सकेगा। इस तरह नाइट्रोजन इन दो इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर सकेगा और इन दो इलेक्ट्रॉन्स को भी नाइट्रोजन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर सकेगा, तो उसकी वजह से नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आधा नेगेटिव चार्ज, पूरा नहीं आएगी, कंप्लीटली गेन नहीं किया बल्कि अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आधा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ज्यादातर दूर रहते हैं, नाइट्रोजन के साथ रहते हैं, तो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस तरह इस हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अगर यहां पर आप लोग देख लें, फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक हाइड्रोजन, ये दूसरा और ये तीसरा, यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जिसने बॉन्ड पेयर में हिस्सा नहीं लिया है, इन इलेक्ट्रॉन में भी बॉन्ड परमिशन में हिस्सा लिया है, इन्होंने भी बॉन्ड परमिशन में हिस्सा लिया है और इन्होंने भी बॉन्ड परमिशन में हिस्सा लिया है, लेकिन इस जोड़े इलेक्ट्रॉन के इस जोड़े ने बॉन्ड परमिशन में हिस्सा नहीं लिया है, तो ये क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभी अगर आप लोग देख लें, ये दो इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अभी यहां पर एक दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे साथ, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव और ये भी पार्शियल पॉजिटिव, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, उस पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी। यहां पर अगर आप लोग देख लें, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो हमने कहा था एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो इस हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इस तरह ये एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है कि नहीं, और ये पूरा दूसरा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इस मॉलिक्यूल के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, तो इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं।